हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, वैकेंसी निकल के आ रहा है। पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जिसके पास 10th क्वालिफिकेशन है, 12th क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा है कोई भी ट्रेड में, उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग फल फल का अपडेट देता रहता हूँ, कैसे आपको एक जॉब क्रैक करना है। तो दोस्तों उसके साथ दोस्तों अगर रियली तैयारी कर रहे हो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, घर बैठ के वीडियो देख के तैयारी कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों, MCQ क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बना के रखा हूँ, जो सिलेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए। कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ज़रूर फॉलो कर लीजिए और सारे वीडियो को देख लीजिए। तो चलते हैं हम ऑफिशियली वेबसाइट को, ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स जो वैकेंसी निकला है ऑन मेरिट कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला है। और दोस्तों जो ऑनलाइन शुरू होने वाला है, ये आपको जनवरी 2 जनवरी 2019 से शुरू होने वाला है। ऑनलाइन स्टार्ट डेट फ्रॉम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, 2 जनवरी 2021। और ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है 14 मार्च टू 17 मार्च 2019। तो दोस्तों आप तैयारी हो जाइए, जोरदार लागू कर लीजिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, 10th है, तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट भी दिया गया है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले जो मांग रहा है 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद इंटरमीडिएट 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास और लिखा गया है, और लिखा गया अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर डिप्लोमा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है, ये सारे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ के बात करेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे 19 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के अंदर अगर आपकी बात हुआ है, जन्म हुआ है, तो ही अप्लाई कर सकते हो। जो 21 एज तक, अपर एज लिमिट जो है 21 18 से 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा यंग स्टूडेंट ले रहे हैं इन लोगों ने। और अप्लाई करने के लिए लिंक भी इधर दिया गया है दोस्तों, लिंक को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। जो 12th में आपकी 50% से अबव होना चाहिए, जिसमें भी आपकी ITI 10th डिप्लोमा, इसमें सबसे सब में 50% से ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए दोस्तों। सैलरी के बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 रहेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है आपको 33,100 आपकी बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आपकी TADA अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो सारे आपको लग जाएगा। लगने के बाद आपको 45 जैसे आपकी सैलरी आ सकता है आपकी ऑन हैंड। प्रमोशन का भी यहाँ पे दिया गया है, प्रमोशन लेवल भी दिया गया है। कोई आप एडवर्टाइजमेंट लेके पढ़िए दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोग को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ, उसको फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। और फिजिकल फिटनेस कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही अप्लाई कीजिए दोस्तों, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी है आपकी फिजिकल फिटनेस, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ना पड़ेगा डाउनलोड करके। और दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी जॉब का रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हो, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करके, मेरा बहुत सारा वीडियो रखा हो, वीडियो देख के घर बैठ के तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।